जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से हम लोग वापस आ गए हैं जी टी सैन एंड्रियास में। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने एक जी टी फाइव की एक बहुत ही बढ़िया लग्जरी बस का हम लोगों ने टेस्ट किया था, और उसको हम लोग एयरपोर्ट के अंदर लेकर के गए थे, और जो एयरपोर्ट वाले हैं उन्होंने हम लोगों को एंट्री दे दी थी। तो अभी हम लोग एक बहुत ही ख़तरनाक मशीन का इस्तेमाल करने वाले हैं, उसकी टेस्टिंग करने वाले हैं, उसको हम लोग स्पॉन कराएंगे। तो जल्दी से हम लोगों ने अपने मोड मेन्यू ऑन कर लिया है और ये मंगा लिया उस मशीन को। ये बिल्कुल डेडली मशीन, आप जानते होंगे इसको टैंक कहते हैं, आर्मी टैंक, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त देखने में है। और ये आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल लोहा लाट बना हुआ है, बिल्कुल पूरी तरीके से, बिल्कुल स्टील की, स्टील कह सकते हैं, लोहा कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं। देख रहे हैं कितने सारे नट बोल्ट की वजह से ये बंधा हुआ है और कितना ज़्यादा मजबूत लग रहा है देखने में। तो अभी हम लोग इसको चला करके देखेंगे और देखेंगे कि इससे हम लोग कितनी तबाही मचाने वाले हैं। तो देखते हैं ये सारी गाड़ियों को हम लोग कितनी जल्दी उड़ा देंगे। और अभी हम लोग एक मिसाइल फायर करने वाले हैं और ये हम लोगों ने फायर करी और देखिए तुरंत दो तीन गाड़ियों में आग लग चुकी है। और ये जो बस हम लोगों ने टेस्ट करी थी इसको भी हम लोगों ने उड़ा दिया है। करीन भाई साहब की जो कार लेके चल रहे हैं इनको भी हम लोगों ने उड़ा दिया है। अभी हम लोग जो हमारा टैंक है कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग एयरपोर्ट के अंदर ले जाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि हम लोगों को एयरपोर्ट के अंदर एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती है, और देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो जल्दी से हम लोग ट्रेन सॉरी अपनी जो टैंक है तो इसको हम लोग अपने एयरपोर्ट के अंदर लेके जाएंगे। और ये देखिए बगल में एक कोका कोला की गाड़ी जा रही है और सामने की तरफ गाड़ियाँ आपको दिख रही होंगी। तो हम देखिए एक के बाद एक मिसाइल्स फायर करते जा रहे हैं और हमारी गाड़ी से जो भी गाड़ी टकरा रही है वो ऑटोमेटिक डैमेज और ब्लास्ट हुई जा रही है। और ये देखिए कितने सारे ट्रैफिक होने लगा है, तो देखते हैं हम लोगों को एंट्री मिलती है कि नहीं। और सब डर के मारे बिल्कुल खौफ मचा दिया हम लोगों ने और हम लोगों को बड़ी आसानी से एंट्री मिल चुकी है। देखिए पुलिस वाले भाई साहब भी आ चुके हैं, तो फिलहाल ये पकड़ तो पाएंगे नहीं। जल्दी से हम लोग चलते हैं रनवे पे और हम लोग इसको एक अलग तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे। मतलब जैसे कि होता है ना कि एक जो ये हमारा जो ये मिसाइल वाला जो एरिया है जो आगे आपको रॉड दिख रही होगी, तो इसको हम लोग एक साइड सेट कर देंगे और इसके बाद हम लोग बार बार मिसाइल्स दागना शुरू करेंगे और देखेंगे कि उससे इसकी स्पीड बढ़ती है कि नहीं और देखते हैं क्या होता है। और ये देखिए लोगों ने एक के बाद एक मिसाइल दागना शुरू कर दिया और स्पीड आप देख पा रहे हैं कितनी स्पीड से ये इसकी, आप देख पा रहे हो कितनी ज़बरदस्त स्पीड इसकी बढ़ रही है। इसको हम लोगों को थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये नहीं तो पानी में चला जाएगा। और अब फिर से एक बार हम लोग देखते हैं कि अपनी तरफ से कितनी स्पीड तक ये जाने वाला है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डेडली मशीन है और एक के बाद एक तबाही मचाते जा रहे हो। देख पा रहे हो कितना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है, इसकी वजह से जो टैंक है वो विपरीत डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ये अपनी फुल स्पीड लेकर के जा रहा है। तो इस तरीके की मोड आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से जा करके आप इन मोड्स को अपने फ़ोन में डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और ये देखिए हमारा जो टैंक है वो हल्का फुल्का डैमेज हो गया है, जिसमें अंदर से धुआं सा निकलने लगा है। तो कोई बात नहीं, इसको रिपेयर कराने की कोशिश करेंगे अगर इन लोगों से छुटकारा मिल गया तो। क्योंकि एक देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ आ चुकी है, ये देखिए हमारे टैंक में आग लग चुकी है और ये ब्लास्ट हो चुका है और भैया हम लोग भी ख़त्म हो चुके हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।